that will know why men come back from sea. The sea is cruel, but the sea is clean. The cause of this pasturity must be that men at sea are few and far between. शहजादे की कोई खबर लाई हो? नहीं उस्ताद। जिंदा है? अभी तक नींद में है। मेरे हुक्म की तामील हूँ। जी उस्ताद। और वो अंधा आदमी? उसे ढूंढ लिया है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। क्या? कुत्ता भौंक रहा है, मदद का अच्छा सिला दिया है। आपके खैरात में आपके सिक्के की तरह खोटी है। तो धोखेबाज अंधे बाप की अंधी औलाद, एक अंधा असली नकली का फर्क नहीं बता सकता। मैं रात और दिन में फर्क नहीं बता सकता, मेरा कुत्ता बताता है। एक कुत्ता असली नकली का फर्क कैसे बता सकता है? खुद ही आजमा लो। इस सिक्के का तो ऊपर वाले को ही पता होगा, ये तो सच में खोटा सिक्का है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो अब आ जाओ सच परखने वाले और बताओ इसमें से खोटा सिक्का कौन सा है। ये कोई कुत्ता नहीं, ये तो लगान वसूलने वाले का वालिद है। या अल्लाह, तूने जिन्हें भी ये नियामत बख्शी है आँखों से वो इस दुनिया का दीदार कर सकते हैं, मेरे लिए सिर्फ ताकत बचा के रखना जिससे मैं इस जहाँ का दीदार कर सकूँ। या अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे महल में ला। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। मेरे लिए दुआ करो, मेरा नाम हलीमा है। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या दोस्तों को हमेशा जानना जरूरी है? मुझे जानना जरूरी है। क्या तुम उस पर यकीन नहीं करोगे जो तुम्हारे लिए काम लाया हो? मेरे घर में खाना और आराम है, और जो मेरा होगा वो तुम्हारा। पर ये मेहरबानी क्यों? तुम्हारी दुआओं के लिए। कदरदानी के लिए शुक्रिया। अपना हाथ दो। इसकी जरूरत नहीं, मेरा कुत्ता ही मेरी रोशनी है, ये भी सिर्फ अपने मालिक को देना जानता है, बाकी कुत्तों की तरह। Thank you.
इनकी यह नींद मेरी जानकारी से बाहर है। मुझे सिर्फ ये पता है जब वो अंधा आदमी इनके पास आएगा तो ये ठीक हो जाएगी। ताज्जुब है जो वो कर सकता है वो तुम्हारी शक्तियाँ क्यों नहीं कर सकती? उस अंधे को इसे ठीक करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। पर वो उसी अंधे आदमी से प्यार करती है। किसी बागीचे में दो बच्चों के तुतलाने को आप प्यार कहेंगे? प्यार अभी उसे सीखना है और वो उसे मैं सिखाऊंगा। बेचारा अंधा फकीर है और बदनसीब भी। हरगिज नहीं। देखो हम सब बेनकाब हैं। मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखों पर नकाब है। हमें तुम्हारा नाम बताओ। अहमद। अहमद, अब तुम भीख नहीं मांगोगे ना ही भटकोगे, हमारे साथ यहाँ रह जाओ। आपकी आवाज़ से लगता है कि आप खूबसूरत भी होंगे, पर मेरे लिए यहाँ रुकना नामुमकिन है क्योंकि मुझे मेरी माशुका को ढूंढना है जिसे मैं खो चुका हूँ। बगैर आंखों का आदमी अगर पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी नहीं ढूंढ पाएगा। रह जाओ, यहाँ बहुत सारे हकीम हैं जो तुम्हारी आंखों को ठीक कर देंगे। तो वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होगा। पहले मत बुझाओ। मैं तुम लोगों को एक हकीकत बयां करता हूँ। एक सुल्तान हुआ करता था और उसका शहजादा तो सुल्तानों का भी सुल्तान था। उसकी अवाम अनगिनत, उसकी दौलत बेशुमार और उसका शासन असीम था। और ये कुत्ता कुत्ता नहीं इंसान था जो बगदाद में रहता था और सुल्तान का खास था। मगर उन दिनों ये एक मामूली चोर हुआ करता था। तुम लोग मेरी मछली को इस तरह सूं क्यों रहे हो? दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। मैंने कहा क्या सुना नहीं? शाहों के शहंशाह बादशाह सलामत अहमद, वल्द शहंशाह अकबर, शहंशाह हारून अल रशीद के पोते, इस जहां के हाफिज, मजहब के नुमाइंदे, तीनों जहां में मकबूल तशरीफ ला रहे हैं। अहमद सुल्तान, हाँ मैं ही था वो सुल्तान जिसकी 365 बेग में थी पर एक के दिल में भी प्यार न था। 50 महल थे पर एक घर भी न था। सच्चाई ये थी कि मैं फकीरों से भी फकीर था। हर चाहत पूरी हुई पर बड़ा हुआ बिना प्यार के। और मेरे इतने बड़े रियासत में मेरे पास करने के लिए कुछ न था, न काम, न मकसद, न मंजिल। उन सब के लिए मेरा वजीर हुआ करता था जाफर, जो हमेशा मेरे और अवाम के बीच खड़ा था।
एक और मौत। इसे क्यों मारा गया? वो सोच रहा था मेरे हुजूर, मेरे आका। क्या सोचना भी गुनाह है? हमारी सल्तनत में ये जुर्म है। क्या खौफ दिखाकर इन पर मैं राज करूं? लोग मक्कार हैं, उनकी आंखों में नफरत है, झूठ उनके होठों पर। एक दिन आपको एहसास होगा मेरे आका, ये लोग तीन चीजों को समझते हैं, चाबुक जो खाल उधेड़ती है, कुल्हाड़ी जो सर कलम करती है और तलवार जो हलाल करती है। इन सारी ताकत और दहशत से आप इस जहां को जीत सकते हैं। क्या मैं सारे जहां को जीतना चाहता हूँ? आप क्या चाहते हैं मेरे हुजूर, मेरे आका? मैं सारे जहां को खुशी देना चाहता हूँ। खुशी? वो लोग बेवकूफ और नामाकूल है, आपके वालिद ये जानते थे, और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उनकी तरह करो। रात के अंधेरे में अपने महल से निकलकर लोगों के पास जाइए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए, उनके हालात सुनिए, उनके घरों में जाइए, सुनिए, समझिए और याद रखिए। आज राज जाफर। जो हुक्म मेरे आका। यह आपकी रियाया मेरे आका। मैं लोगों के इतने नजदीक कभी नहीं गया। सुनिए, समझिए और याद रखिए। कहते हैं कि अल्लाह बहुत ही नेक और रहमदिल है। बरसों पहले की बात है, एक सुल्तान की सल्तनत हुआ करती थी। उसके पास अनगिनत फौजे और हथियार थे, जहाज और घुड़सवार। पर वो सुल्तान, वो क्या कह रहा है? अपनी कौम जल्लाद बन चुका था। क्या वो सुल्तान के बारे में कुछ कह रहे हैं? सवाल मत करो, यहाँ हर जगह जासूस है। बगदाद में तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुझे बताओ वो बुजुर्ग किसके बारे में कह रहा है? ये तो बेवकूफाना बातें कर रहे हैं, रखवाला और एक काफिर के बारे में सिर्फ पागल बच्चे ही यकीन कर सकते हैं। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि शहजादा अहमद है। और फिर ऐसे ही पूरी कौम और गुलाम जुर्म सहते रहे और मरते रहे। पर बगदाद में एक अल्लाह का बंदा पैदा होगा। लोगों को दिलासा देते हुए कहा, आने वाले दिनों में आप सबकी मदद करने के लिए एक मददगार आएगा, और वो अल्लाह का बंदा होगा। वो अल्लाह की निशानी होगी। वो दिखने में बड़ा ही छोटा होगा, और उसे देखने के लिए आसमान में देखना होगा। फिर लोगों ने रोकर कहा, हम उसे देखने के लिए आसमान में जरूर देखेंगे। फिर किसी ने सवाल पूछा, इतने बड़े जुर्म से एक छोटा सा बच्चा कैसे बचा सकता है? तो उस बंदे ने नरमी से जवाब दिया, यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, आने वाले दिनों में। लेकिन वो शैतान है कौन? अहमद को आज ही मरना होगा। उसे गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दो। अगर वो अपने आप को शहजादा कहे तो पागल साबित कर देना। अगर कोई उसका साथ दे तो उसे भी खत्म कर देना। उस रात मुझे पता चला मेरे लोग गद्दार नहीं थे, बल्कि वही गद्दार था। जब उसने मुझे आवाम के बीच भेजा, तब उसने मेरे लिए एक जाल बिछा रखा था। मैं कैद खाने में डाल दिया गया, और उस कैद खाने में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, जहां मैं उससे मिला जो मेरे जिंदगी का सबसे खास बन गया। अबू बगदाद का एक छोटा चोर था, और वैसे भी छोटे चोर ही कैद खाने में डाले जाते हैं। लेके आओ। नहीं, मुझे कैद खाने में मत डालिए, मत डालिए मुझे। पहले इसका दायां हाथ काट दो, फिर बायां, फिर बायां पैर काट दो, और फिर दायां, और बाद में इसका सर कलम कर दो। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नहीं मत मारो मुझे। नहीं मत मारो। कल सुबह और उस पागल आदमी को भी। हमारे सुल्तान बहुत रहमदिल है, इसीलिए सिर्फ सर सूरज निकलने से पहले। नहीं, मैं रहम करो मुझ पे, रहम करो, रहम करो। बेवकूफ बच्चे, उन्होंने तुम्हें पागल कहा। मैं पागल? उन्होंने कहा तुम पागल हो।
सचमुच पागल हो? हाँ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं जरूर पागल हूँ। मैं पागलों का सरदार हूँ जो कभी सुल्तान के महल में रहता था। तुम पागल हो, थोड़े पागल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कल सवेरे सूरज की पहली किरण आने से भी पहले हम दोनों मारे जाएंगे, एक चोर और एक पागल, और मैं मरना नहीं चाहता। तुम पागल नहीं हो, और शायद हम उगते सूरज को उस पार से देख पाए। तुमने सुना नहीं उस जल्लाद ने क्या कहा? सुबह होते ही हम नाव में बैठकर दरिया के बीच होंगे। मैंने कभी दरिया नहीं देखा, पर मैंने नदी के किनारे नाविकों को उसके बारे में बातें करते जरूर सुना है। वो कहते हैं वहां मछलियां मस्जिद जितनी बड़ी होती हैं, और छोटी वाली मेरी उंगली के समान। पंखों के साथ नाव बगदाद जितनी बड़ी होती है, पालों के साथ बादलों जितनी बड़ी, और जब हवा आती है ना, वो हिरन की तरह तेज दौड़कर तुम्हें हिंदुस्तान और चीन ले जाती है। वो हिंदुस्तान और चीन के टापुओं पर, और हम यहां कैद हैं। सुबह होते ही कुलाड़ी हमारे सर पर होगी, और तुम कहते हो तुम पागल नहीं हो? देखो क्या है, कैद खाने की चाबी है, मैंने अभी चुराई है। चाबी? ये मुझे दो। रुको रुको, तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। क्यों नहीं, हम इंतजार करेंगे। एक घंटे में वो लोग खाना खाएंगे, उसके बाद वो लोग सो जाएंगे, फिर हम लोग आजाद। जल्दी उसे पकड़ो, मुझे वो रस्सी दो, जल्दी करो, हमें यहां से जल्दी जाना होगा। क्या तुम चाहते हो कि हम मारे जाए, या फिर तुम्हें लगता है वो लोग रहम दिल है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुल्तान को पता चलेगा तो हमारी मदद करेंगे? सुल्तान बेवकूफ था, मुझे यकीन है उसको उतनी ही सजा मिली होगी जितना उसने अवाम को दिया। तुम कुछ ज्यादा ही नफरत करते। सब नफरत करते हैं। काश मैं उसे इन हाथों में पकड़कर सिर्फ इतना कह पाता कि तुम कितने बड़े बेवकूफ थे। अब कह दो मैं हूं सुल्तान अहमद। बोलो। अहमद सुल्तान गुजर चुके हैं, वो कल ही गुजरे हैं, अब नया सुल्तान है जाफर। देखो जाफर इतना बड़ा हंगामा मेरे लिए तो नहीं करेगा, वो इतनी सेना मेरे पीछे क्यों भेजेगा? रहम सुल्तान, मैं आपका गुलाम हूं। देखिए मेरी गुस्ताखी की कितनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ आबू, एक चोर। मेरे वालिद भी चोर थे, उनके वालिद भी चोर थे, और हम 10 पुश्तों से सिर्फ चोरी करते रहे हैं अपने भूख को मिटाने के लिए। उठो मेरे छोटे दोस्त, हम बगदाद जरूर लौटेंगे। इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो, मेरे मतलब सुल्तान, तुम मारे जा सकते हो। एक गुजरा हुआ सुल्तान और एक चोर किसी काम के नहीं है। अगर तुम्हारी उंगलियां भी दिमाग की तरह तेज होती तो तुम भी चोरों के सुल्तान कहलाते। सुबह का सूरज हमें आजादी की राह पर ले जाएगा। आजादी? जल्दी करो, सुबह का सूरज हमें आजादी दिलाएगा। आजादी के अलावा और कुछ नहीं। अब तुम्हारे पास है, अब क्या करोगे? जो भी चाहो, 3 दिनों में हम बसरा में होंगे। चलो तुम नाव को धकेलो, चलो। To sea, no plow but tinker tailors, any fun to be on some cousins by the baker's dozens, drive a man to sea or highway robbery. I want to be a bandit, can't you understand it? Sailing to sea is life for me, is life for me. अबू, बसरा। बसरा।
बसरा कितना खूबसूरत शहर है। ओ, कितनी अच्छी खुशबू है। सच में बड़े भूखे हो तुम, पर पैनकेक शहद के बगैर नहीं खा सकते हम। अब शहद कहाँ से लाए? मैंने पैनकेक चुराए, अब शहद भी चुरा लूंगा मैं। शहद ले लो, शहद, शहद ले लो, शहद। क्या? हाँ, हम पूरी खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ, एक पूरी बोतल। क्या कहा? अगर अच्छी होगी तो। बहुत अच्छी है ये। कहना आसान है, पहले हम चखेंगे ना। ये ले लो, शायद बहुत अच्छा है। आ, मुझे तो अच्छी लगी, तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं, इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, तुम्हारी मधुमक्खियां बीमार थी। क्या कहा? उनका ख्याल रखा करो। अरे मुझे पैसे दे, जाओ। अरे मेरे पैसे दो। सुनो बुजुर्ग आदमी, ये महल किसका है? क्यों, ये महल सुल्तान का है। तुम लोगों को इतनी अक्ल तो होगी, इसमें हजार खिलौने हैं। खिलौने? अनजान मुसाफिरों, तुम लोग कहाँ से आए हो? क्या तुम नहीं जानते सुल्तान के पास दुनिया के अच्छे खिलौने हैं? पर खिलौने क्यों? सुल्तान एक बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी बच्चों की तरह होते हैं। वो अपने खिलौनों को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। बस अब मैं कुछ और नहीं कहूँगा। अनजान मुसाफिरों, पता नहीं तुम लोग कहां से आए हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। नहीं जा सकता। शहजादी आ रही है वहाँ से। मर्द उसे नहीं देख सकता जब तक कि उसका निकाह ना हो जाए। इतनी बदसूरत है वो, चांद और सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत है। मर जाएंगे। अबू, वो लोग आ गए।
मैं उसे दोबारा जरूर देखूंगा। पर मैंने सिंधबाद जहाज से बात कर ली है, वो हमें अपने नाव में घुमाने ले जाएगा, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ऐसा तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। पर मैं नहीं जा सकता, मैं उसके दीदार करना चाहूंगा। पर अहमद, नाव में पूरी दुनिया की सैर करने का ख्वाब देखा था मैंने। मैं नहीं जा सकता, मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा। उसका दीदार करने में मदद करूं तो चलोगे? हाँ चलूंगा। करो, ये प्रेम गीत दोपहर की कड़कती धूप की तरह है। इसके लिए हम रात का इंतजार करेंगे। जलाशय की तरफ चलो। ठीक है तो देखो, तो तुमने क्या देखा? हमेशा याद रखना, जिन से आप झूठ नहीं बोल सकते। तुम मुझे दुष्ट नहीं लगते, क्या तुम अच्छे जिन हो? ज्यादा अच्छा नहीं, अच्छे जिन अच्छे होने का दिखावा करते हैं। क्या तुम यहाँ रहते हो? नहीं। तो तुम क्यों आए हो? तुम्हें देखने। मैं तो नहाने आई थी। मुझे इंतजार है। नहा लूं तुम्हारे सामने? मुझे तुम्हारा हाथ दो और तुम सीधे अंदर। जिन तुम चले गए, इतनी जल्दी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। क्या मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी? कभी नहीं? डरने की कोई बात नहीं, मैं कोई जिन नहीं। कौन हो तुम? तुम्हारा गुलाम। तुम कहां से आए हो? वक्त के दूसरी तरफ से, तुम्हें ढूंढने। कितने वक्त से ढूंढ रहे हो? जब से वक्त शुरू हुआ है। अब जबकि तुमने मुझे ढूंढ लिया, कब तक यहां रहोगे? वक्त के खत्म होने तक। मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा कुछ नहीं। मेरे लिए इस दुनिया में इससे बड़ी खुशी नहीं है कि मैं तुम्हें खुश कर सकूं। Thank you.
क्या तुम यहाँ इस बगीचे में कल भी आओगे इसी वक्त? यहाँ एक माली है जो दिन रात पहरा देता है, उसका नाम मौत है। तुम नहीं आ सकते तो रोक लो मुझे। नहीं रोक सकती मैं। क्या इसका दीदार हुआ? हाँ देखा। अच्छा हुआ, तो आज रात हम लोग जा सकते हैं ना? नहीं अबू, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? अब तो तुमने उसे देख लिया ना? इसीलिए तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वापस देखना है उसे। ठीक है तो अब घर चले। मेरी मदद के बगैर वहां तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ, और अगर गए और रास्ता ढूंढ लूंगा तो तुम पकड़े जाओगे। तुम मेरे साथ रुकोगे? पर तुम क्यों रुकोगे? तुम्हारे मन में भी मेरी तरह लालसा होनी चाहिए ना रुकने की। तुम क्यों मेरे साथ रुकने लगे? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं। मेहमान नवाज और दरिया दिल। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे विशाल यांत्रिक खिलौनों का झुंड है मेरे पास, और इनमें से ये सबसे ज्यादा काबिले तारीफ है। ये वक्त बताता है, देखो ये कैसे काम करता है। सबसे जादुई है ना? मुझे उम्मीद है ये खतरनाक चीज लोगों के हाथों में कभी नहीं लगनी चाहिए। खतरनाक? हाँ, एक बार अगर लोगों को वक्त का तकाजा हो गया तो वो आपको कभी भी वक्त का बादशाह नहीं समझेंगे। वो लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि वक्त गुजरता कैसे है। ओह, तुमने सही फरमाया, ये लोगों को नहीं जानना चाहिए। देखो आओ, ये देखो कितना बेहतरीन काम क्या है। सच है, बहुत ही काबिल तारीफ। कितना भरोसेमंद, इसीलिए मैं अपने काम के लिए ऐसी चीजें पसंद करता हूँ। देखो देखो देखो, देखा? नहीं नहीं, ये इन सबसे बेहतरीन है। देखो, मुझे बस चाबी घुमानी पड़ती है और उसे दबाना पड़ता है, और वो लोग वैसा ही करते हैं जैसा मैं चाहता हूँ हर बार। कभी कभी मेरी कॉम भी वो काम नहीं कर पाती जो मैं चाहता हूँ, इसलिए मुझे उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ता है। आपकी कारीगरी काबिले तारीफ है और खात्मे के नजदीक भी। खात्मे के नजदीक? क्या मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरा झूठ सबसे पहले खत्म होने वाला? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये छोटे छोटे करिश्मे इस चकाचौंध करने वाले खिलौनों में ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकते, पर कोई बेहतर करिश्मा तकदीर बदल सकता है। क्या फरमाया? मेरे यांत्रिक खिलौनों से भी बेहतरीन? इन खिलौनों में आपकी दिलचस्पी को जानते हुए मैं आपके लिए वो चीज लाया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं देखते हैं, जल्दी जल्दी, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। वो देखिए, कमाल होने वाला है। हाँ,
अगर मेरे सुल्तान खुद इसका इस्तेमाल करे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या ये चाबी घुमानी पड़ेगी इसके गर्दन में या इसके पैरों में या पूंछ में? ये लात तो नहीं मारेगा ना? मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं या नहीं बैठूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही घुमाऊं ना? अगर मेरे सुल्तान सवारी के ख्वाहिशमंद हो तो और अब लगाम खींचिए। एक ही चीज बदले में चाहता हूं। जो तुम चाहो। आपकी बेटी। मेरी बेटी? ओ नहीं 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 नहीं, सच में ये बहुत चौंकाने वाला है। तुम्हें मेरी बेटी किस लिए चाहिए? मुझे सल्तनत की चाह। ओ सच सच सच, अरे मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ सल्तनत की चाहत को। बड़ी खुशी मिली मुझे, मैंने भी कोशिश की है बहुत बार और मुझे मिला क्या है? एक मायूस और उदास माँ की उदास बेटी, उसकी निगाहें दर्द से भरी हुई जो हमेशा कुछ कहने की कोशिश करती है। उसकी आंखें जैसे खिलता गुलाब, उसकी अदाएं जैसे हिरनी की बल खाती चांद, उसका बदन जैसे संगमरमर। तुम कैसे जानते हो? मैंने उसे देखा। तुम नहीं देख सकते? देखा है। कहाँ? तिलस्मी गोल में। वो घबराहट होती है तिलस्मी गोल से। तिलस्मी गोल से मैंने हमेशा नफरत की है। क्या तुम जादूगर हो? थोड़ा बहुत हुनर है। ओह कुछ मत कहो, सिर्फ सिर्फ मुझे ये मुझे घोड़ा चाहिए, तो इसलिए तुम मेरी बेटी ले सकते हो। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। मैं समरकंद के सुल्तान से शादी की हुई बहन के पास जाऊंगी, वो मेरी रक्षा जरूर करेगी। तुम उस बगीचे में जाओ, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसे हमने उस दिन जलाशय में जिन समझा था। उसे हमारे दुर्भाग्य के बारे में बताना और कहना कि समरकंद में उसका इंतजार करूं। जी शहजादी। रहम सुल्तान, रहम रहम सुल्तान, रहम सुल्तान, रहम। शहजादी महल में नहीं है। आओ? वो वहाँ से जा चुकी है। वहाँ पे एक आदमी मिला है, क्या उसे पकड़ लाओ? अंदर लाओ, लेके आओ, लेके आओ।
आखिर में सामना तो हुआ मर्द से मर्द का, तलवार से तलवार का। मुझे तलवार दो, अल्लाह इंसाफ करेगा महान सुल्तान। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखें गवाह है। अहमद, समझ जाओ मेरी जापना, मैं सच्चाई जानता हूँ। तुम जानते हो ये आदमी कौन है, और ये देखो अच्छे लोग, कुत्ते के बच्चे, अब मेरे इल्म से तू भी वही बनेगा जो मैंने तेरे वालिद को बनाया था, और वैसे ही भोगेगा। मेरी बद्दुआ है, तुम कुत्ते बने रहोगे और अंधे बनकर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे जब तक मैं उसे अपनी बाहों में न समेट लूं। और अब मेहरबानी करने वाले आप समझ गए अंधा ये कुत्ते के साथ क्यों है। अपने प्यार को दुनिया में ढूंढने के लिए एक छोटी सी उम्मीद के साथ, अभी तक उस उम्मीद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, पर अल्लाह रहम दिल है। अभी तक तो अल्लाह रहम दिल है, क्योंकि जिसकी तलाश है तुम्हें वो यही है। अगर मुझसे झूठ कहा तो अल्लाह तुम्हें नहीं बख्शेगा। मैं झूठ नहीं कह रही, तुम्हारी शहजादी को गुलामों के सौदागर ने बंदी बनाकर यहाँ बेच दिया। शहर के एक अमीर सौदागर ने उसे खरीद लिया, पर वो उसे अपने घर नहीं ले जा पाया क्योंकि वो अपनी दुनिया में खो गई। वो जिंदा है पर जिंदा लाश की तरह, कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। सिर्फ वो तालाब के उस जिन को पुकारती है। मैं ही था वो जिनी। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो, तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं। उसके नजदीक ले चलो। तुम क्यों आए हो? तुम्हें ढूंढ रहे। कितने वक्त से ढूंढ रहे हो? जब से वक्त की शुरुआत हुई। अब जबकि तुमने मुझे ढूंढ लिया, कब तक यहाँ रहोगे? वक्त के खत्म होने तक। सपना, वही सपना, हमेशा वही सपना। ये सपना नहीं है। सके नौटंकी बंद करें। मुझे इस तरह से मत देखो, दुख अपने निशान छोड़ जाता है। मेरे लिए तुम्हारी खूबसूरती वैसी ही रहेगी जैसे मैंने पहली बार देखा था, कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारी आंखें वो कितनी अजनबी, दुख से भरी हुई है। जो आंख से खेलेगा उसकी आंखें तो जलनी ही है। अहमद, तुम्हें जाना होगा, उस्ताद वापस आ गए हैं। मैं तुम्हें छुपा दूंगी और जब उस्ताद दोपहर में सो जाएंगे मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। चुप।
अब से तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि शहजादे के लिए भी हो। उसके साथ रहो और उसकी रक्षा भी करो। रोशनी वापस ला सकती हूँ। यहाँ इस शहर में एक हकीम है जो तुम्हारे कहने पर उसे ठीक कर देगा। मुझे ले चलो। क्या इस जहाज पर कोई हकीम है? हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुत्ते को आने मत दो। मेरे पास लाओ और पास। ये कुत्तों वाली जिंदगी तुम्हें कैसी लग रही है? ताज्जुब है, एक बदमाश बच्चा एक शरीफ कुत्ता कैसे बन सकता है? फेंक दो इसे पानी में। खुश आमदीद जफर। हाँ जफर, आपका अपना जफर। जब से आपने अपना महल छोड़ा है मैंने आपको संभाल के रखा है। जब आप दर बदर की ठोकरें खा रही थी और रेगिस्तान में गुम गई थी तो किसने राह दिखाई आपको? जब आपको गुलामों के बाजार में बेचा गया तो किसने खरीदा आपको? वो मेरा घर था जहां आपने मीठी नींद ली और सुनहरे ख्वाब देखे। वो ख्वाब मैं खत्म कर दूंगा। वो मैं ही था जिसने आपको जगाया। नहीं, वो अहमद था। मुझे बताया गया यहाँ कोई हकीम है जो उसकी आंखों का इलाज कर सकता है। मैं ही हूँ वो। Thank you.
अबू बन गया। अबू अबू वो कहाँ है? वो जहाज में है, जाफर उसके साथ है। उसके बगैर इस आंखों का क्या फायदा? तुम्हारा जीना कुछ भी नहीं उसके बगैर? कुछ भी नहीं। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा कि अहमद को भूल जाओ। देखो, अहमद। आंधी, आंधी, तूफान, तूफान, तबाही, तबाही। Ha ha ha!
तुम इस तरह अपनी किस्मत को ठोकर मार कर एक दासी की तरह क्यों जीना चाहती हो? मैं एक दासी ही हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मांगो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। क्या तुम मुझे वापस बसरा ले जा सकते हो? सुना तुम लोगों ने, बसरा वापस ले चलो। है। ये दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा है। इस गुलशन में कभी खुशबूदार गुल खिला करते थे जो मुरझा गए बीमारी की तरह, और यह तालाब, इसमें तुम अपनी परछाई तक नहीं देख सकती। मैं अपनी परछाई की खोज में नहीं हूँ अब्बा जान, मैं जफर के साथ बगदाद नहीं जाना चाहती। ओ मेरी बच्ची, उसे मुझे मत ले जाने दीजिए। ठीक है। देखो, तू अगर उसके साथ बगदाद नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं। अरे ओ, 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 ओ। कुछ करती है वो आपको बाहों में भर लेगी। पर वो तो मेरी बेगम भी करती है। उसकी बाहों में जन्नत का मजा है। इतना सुकून ना किसी ने दिया होगा ना कोई देगा। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी सारी बेगमों से छुटकारा पा लूं और इसे अपने साथ रख लूं? Ah!
पहरेदारो, बगदाद जाने की तैयारी करो। जीनी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बड़े हो तो तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो। मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकालो। मक्कार जीनी, तुम इसी बोतल में बंद रहोगे, समझे क्या? मैं तुम्हें दरिया में फेंकने वाला हूँ और इस बार हमेशा के लिए। रहम। क्या फरमाया? रहम मेरे उस्ताद, रहम। दोबारा कहो। ओ मेरे मालिक दयालु उस्ताद, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी तीन ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तीन ख्वाहिशें? तुम्हारी पहली तीन ख्वाहिश। वादा करते हो? कसम खाता हूँ। मुझे तुम सोलोमन बादशाह बनाओगे सभी जनों का? सोलोमन सुल्तान जिन्नियों के उस्ताद की कसम खाता हूँ, और ये कसम हम कभी नहीं तोड़ते। और तुम तमीज से पेश आओगे? ना डराओगे ना धमकाओगे किसी को भी? नहीं, हरगिज़ नहीं। और अब तुम शोर बिल्कुल नहीं मचाओगे? तुम पहले मुझे बहुत डरा चुके हो। मेरे आका, मैं सुनूंगा और मानूंगा। यह हुई ना बात, सभी बदमाश आखिर में सबक सीखते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है।
मेरी भूख मिटाने का कोई इंतजाम करोगे? मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे अम्मी के हाथों का खाना खिलाओ। अम्मी के हाथ का खाना, यह आपकी पहली ख्वाहिश थी मेरे आका। जल्दबाजी नहीं कर सकते, मुझे चौंकाना रहना होगा। अच्छा दो और, तुम्हें पता है मेरी ख्वाहिश क्या है? मुझे बताओ मेरे दोस्त अहमद कहाँ है? आपका वो जानने के लिए आपको सब कुछ देखने वाले आँख में देखना होगा। तो वो आँखें मुझे दो। आपका वो जहाँ है वहाँ मैं आपको ले जा सकता हूँ, पर आपके लिए मैं उसे चुरा नहीं सकता। हाँ, मैं उसे देख लूंगा। छोटे कीड़े, आज तक तुमने चुराया क्या है? क्या नहीं चुराया? ताले में से एक चाबी, उंगली में से एक अंगूठी, बटुए में से पैसे, एक गिनी का दिल, फूटों की जबान। पर जो भी उस सब कुछ दिखने वाले आपको देवता की मूर्ति से चुराएगा, न तो वो चोर होगा न हिडिंग बाज, पर वो ज्वाला होगा। मैं हमेशा ज्वाला बनना चाहता था। चलो तो फिर मेरे बालों को पकड़ लो। ठीक है, पर याद रखना मैं अभी तक मेरी दूसरी इच्छा नहीं बताया, अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जो हुकुम मेरे आका। अब हम कहाँ हैं? दुनिया की छत के ऊपर। क्या ये दुनिया का छत है? जरूर है, जिसे सात खंभों ने संभाला है, और सात खंभे खड़े हैं जिनके कंधों पर जिसका बल सोच से भी बढ़कर है, और जिन्हें खड़ा है गिद्ध पर और गिद्ध गाय पर, और गाय मछली पर, और मछली समुद्र में तैरती है अनंत काल के लिए। मंदिर के बरामदे में भगवान की बड़ी मूर्ति है, और उस भगवान की मूर्ति के सर पर वो सब कुछ दिखने वाली आंख है। छोटे डिंगबाज, तुम चोर और ज्वाला दोनों बन सकते हो। एक ज्वाला।
hero. Thank you.
वो सब कुछ देखने वाली यही है वो जो अगले 2000 साल तक नहीं दिखाई देगी और इंसान की 100 पुश्तियां भी इसे नहीं जान पाएंगी। क्या मैं जान सकता हूँ अहमद कहाँ है? देखो ध्यान से देखो। ये तो बाकी अहमद है। आपने कुछ कहा मैंने माना। दुनिया के महान आका जोर से पकड़िए छोटे डिंगबाज, हमें आधी से ज्यादा दुनिया से गुजरना है। गुलाम है मैं तुम्हारा मालिक हूँ है ना? आपने कहा मैंने माना मेरे आका। देखा इसी ने मुझे यहाँ लाया और यही हमें ले गया। यह ऐसा क्यों हंस रहा है? मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं है। और ये ठीक है, ये थोड़ा जोर से बोलता है, सिर्फ इसमें यही बुराई है, इससे चिल्लाकर बात करनी पड़ती है। ए नामकुल, किस लिए हंस रहे हो तुम? मेरी आजादी के लिए जो अब मिलने वाले हैं। तुम्हें हमें इस जगह से निकालना होगा। ये आपकी तीसरी ख्वाहिश? नहीं 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 नहीं, अभी तक नहीं। ये बड़ा है पर तेज है, मुझे चौकन रहना होगा। सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है। मेरी भी एक ही ख्वाहिश है। मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ। Your princess. If only I could see her again. Is that all? I don't need to waste a wish for that. Look. What's that? Look into it, hard, hard. Keep staring into it, you'll see her. It's true. About that's the blue rose of forgetfulness. If she inhales its fragrance, she'll forget everything. Blue roses? Exquisite.
I'd forgotten. Why have you suffered? Have I suffered? I don't remember. Seems I was in love. Whom did you love? I cannot tell. I don't know any longer. I can't look anymore. There are worse things than blindness. Knowledge can be more terrible than ignorance if one can do nothing. Nothing. Why did you give me this? Take it back and break it into 1,000 pieces. I only stole it to help you. You stole it because you enjoy stealing. Without my stealing, you'd be dead. I wish I were dead. I wish I'd never seen you. I wish I were in Baghdad. I wish you were. Where you wished him, on his way to Baghdad. Then take me out of this place. Don't you hear? I want to get out. You stay where you are. You're a clever little man, little master of the universe. But mortals are weak and frail. If their stomach speaks, they forget their brain. If their brain speaks, they forget their hearts. And if their hearts speak... If their hearts speak, they forget everything. Am I not your master? No longer. You've had your 3 wishes, and I'm free! Free! Ginny! Ginny! Come back! Don't leave me here! Don't let me die! Ginny! And farewell, little master of the universe! Farewell! Free! Everything of the past is forgotten. You have been in love with me. You are in love with me. You will always love me. Everything of the past is forgotten. I have been in love with you. I am in love with you. I shall always love you. अलग-अलग बांध दो और कल सुबह इनके 1,000 टुकड़े कर देना। पाने में नाकाम रहा मेरे प्यार, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, हम साथ तो हैं और रहेंगे मरते दम तक।
हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर मौत अंत नहीं तो हम लोग साथ चलेंगे। अब वो मुझसे नाराज हो गया है, काश मैं उससे माफी मांग सकता। अबू मेरे दोस्त, अलविदा, माफ करना। नहीं, मैं अलविदा नहीं कहूंगा, मैं मदद करूंगा। पर कैसे, कैसे? अगर मैं मदद नहीं कर सकता तो देखूंगा फिर। आ जाओ मेरे शहजादे। बरसों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दाढ़ी वाले बुजुर्ग, कुछ गलत फहमी है, मैं शहजादा नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं। 2000 बरसों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ नहीं, मेरा इंतजार नहीं, मैं तो किसी और जगह जा रहा था, पता नहीं मैं यहां कैसे आ गया। आप कौन हैं सुल्तान, और मैं कहां हूं? जहां सब कुछ मुमकिन है, जब किसी बूढ़े की नजर से देखोगे, हम उस सुनहरे दौर के बूढ़े लोग हैं, जहाँ सोने की कोई अहमियत नहीं थी। हीरे जवाहरात भी हमारे लिए कुछ नहीं है, उसकी अहमियत तुम्हारे कदमों के नीचे की मिट्टी की जितनी थी, या फिर उस पत्थर जितनी जो हम बन गए। आप पत्थर कैसे बन गए? हम लोगों के किए हुए गलत कामों की वजह से लोगों की बददुआएं हमें लग गई। जब वो नादान थे, मासूम थे, और जैसे वो बड़े हो गए, उन्होंने बुराइयों को अंजाम देना शुरू किया। जब भी कोई बच्चा हमारे पास वापस आता है और हमें मासूमियत से आवाज देता है। And so, as that child, you are to be my successor. Now, come with me. And I will present you with two insignia of true kingship. Only at injustice, and you cannot fail. Oh, no, Father of Kindness. I don't want it. I don't want to be a king. I only want to save my friend. Well, this will help you. Take it. And now, I do homage, for you are king, and all in our kingdom is yours, except that carpet, which I keep for myself. For on that carpet, which flies when it is bidden, fly carpet, I shall go to paradise at the hour appointed. It is told, no other is wiser or more merciful, there was in the past of the ages a king among kings, a master of arms and of armies, of vessels and auxiliaries. And this master of time and people was an oppressor to both.
till the earth was as pitch on the faces of his subjects and his slaves, and they groaned together in secret and were slain in the marketplace. But a wise man among the sages of Baghdad had comforted them with a prophecy, saying in the fullness of time a liberator shall come upon you, and this shall be the sign of him. You don't much like stealing. I'll never steal again. You can trust me just this once more. Just this little carpet so as to get to Baghdad in time. When the old king's hour comes, he won't want a carpet to fly to paradise. Then you, Oala, will take him by the hand, gentle and kind as he is, and lead him into eternal bliss. Aren't I right? But I must go to Baghdad to save my friend. It's a question of minutes. You must see that. Oh, well, Lord of Justice, let me steal. Fly a carpet. Wait! Fly a carpet! There's little time left to see him. And the people cry, we shall look for him in the clouds indeed. For if the greater power is to save us from this tyrant, how can one have no account of it? The reader of the Milky Way replied, have faith, trust in Allah. For there, one day in the blue, you shall see a boy, the lowest of the low, mounted on a cloud. And that cloud shall be as strong as the hills beneath the snow. And from the ranges of the sky, he shall destroy this tyrant with the arrow of justice. Thank you.
सब कुछ अबू के हवाले करता हूँ और जब वो बड़ा होगा वो मेरा खास वजीर होगा। उसे बगदाद में अच्छी से अच्छी तालीम दी जाएगी और दुनिया के सभी विद्वान लोग इसे दुनिया से परिचित कराएंगे और ये वर्तमान का सबसे बड़ा विद्वान बनेगा। और जब वो ज्ञान विज्ञान जैसी मान सम्मान वाली चीजें हासिल कर लेगा तब बगदाद के युवाओं में चमकता उदाहरण बनेगा और वो हमेशा याद रखेंगे कैसे एक चोर प्रतिष्ठावान बन। हे अबू, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला, अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। वो क्या है? थोड़ी मस्ती और थोड़ी दिलाही। ये